दोस्तों ये गाना तो आपने सुना ही होगा, शीशा हो या दिल हो टूट जाता है। अब दिल का तो हमें पता नहीं, लेकिन हाँ बात शीशे की आती है तो इसे मजबूत बनाने के लिए बहुत ही अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी शीशा तो शीशा है, कब साथ छोड़ जाए कोई भरोसा नहीं है। और कई बार शीशा इतने बुरे तरीके से टूटता है कि हलक से जुबान निकल जाती है। यकीन नहीं आता तो वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो का हर एक पल आपके होश उड़ा देगा। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया बिना देर के फटाफट चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो। सबसे पहले आप इस खतरों के खिलाड़ी से मिलिए, जो कि निहायत ही चोर किस्म का बंदा है। तभी तो स्टोर में घुसकर सामान चोरी करता है। लेकिन जब जनाब की चोरी पकड़ी जाती है तो स्टोर का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया जाता है, ताकि पुलिस आने तक ये भाग न पाए। लेकिन इन जनाब का जेल जाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है, फिर चाहे उसके लिए इन्हें हॉस्पिटल ही क्यों ना जाना पड़े। तभी तो बंदे ने एक ही बार में कांच का दरवाजा तोड़ा और 9-2-11 हो गया। दोस्तों ये भाई साहब जो आप देख रहे हैं, ये अपने कांच के टेबल की इतनी तारीफ कर रहे थे कि उसके ऊपर ईंट रख कर ये जाहिर कर रहे थे कि इनका टेबल कितना ज्यादा मजबूत है। पर इनका पोपट तो तब हो गया जब इसकी ईंट से इनका पूरा टेबल चकनाचूर हो गया और लाइव टीवी पर इनकी जमकर बेइज्जती हो गई। अब हमें तो नहीं लगता कि इस कांड के बाद इनकी नौकरी बचेगी क्या। हाँ दोस्तों, हम मानते हैं कि शैंपेन की बोतल खोलने का अंदाज थोड़ा निराला होना चाहिए, क्योंकि इतनी महंगी बोतलों को इतने सस्ते तरीके से खोलना सही तो नहीं है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि जोश जोश में लाखों की शैंपेन की बोतल की बलि चढ़ा दो, जैसे कि इन जनाब ने किया जो तलवार से बोतल का ढक्कन खोलने चले थे। अब बोतल का ढक्कन तो नहीं खुला, लेकिन पूरी की पूरी बोतल खुलकर जमीन पर जरूर आ गई। इन मोहतरमा की अकलमंदी पर तो 100 तोपों की सलामी देनी चाहिए। जाई अपने फेवरेट आर्टिस्ट का पोस्टर देखकर इतना एक्साइटेड हो गई कि भागती दौड़ती उसके पोस्टर को गले लगाने पहुंच गई। पर दिक्कत ये थी कि पोस्टर और उसके बीच एक बड़ा सा कांच था जो उन्हें दिखाई नहीं दिया, और उसके बाद क्या हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। अगर आप प्लेन की खिड़की खोलना चाहते हैं तो ज्यादा कुछ मत कीजिए, बस एयर इंडिया की बोइंग 787 प्लेन पर बैठ जाइए, क्योंकि वहां की खिड़कियां कब निकलकर बाहर आ जाए कोई भरोसा नहीं। पर जिस हिसाब से हम ये वीडियो देख रहे हैं, पक्का ये प्लेन लैंड होने को है या फिर प्लेन के टेक ऑफ होने से पहले की है। क्योंकि अगर चलती प्लेन में इस तरह से खिड़की निकलकर बाहर आ जाती तो नजारा इतना शांत और सुहाना नहीं होता, बल्कि अब तक तो पूरे प्लेन में आतंक मच जाता। दोस्तों इस तरह से कांच टूटने का नजारा किसी को भी हजम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जब कुछ वर्कर्स 380 किलोग्राम की एक बड़ी सी कांच की खिड़की को 47वें माले पर लगाने के लिए ऊपर उठा रहे थे, तभी कांच को संभालने में हल्की सी गलती हो गई और एक झटके में कांच गिरकर जमीन पर टुकड़े टुकड़े में बिखर गया। और ये पूरा नजारा इतना ज्यादा ड्रामेटिक था कि देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। सीसीटीवी फुटेज देखकर तो ये बात पक्की है कि इन मोहतरमा ने पक्का 4 बोतल चढ़ा रखी है। तभी तो ये इतने भयानक तरीके से गिरी है मानो किसी ने जानबूझकर इन्हें खिड़की से नीचे धकेल दिया हो। अब इन भाई साहब को देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि किस तरह लोग ज्यादा हीरोपंती करने के चक्कर में कभी कभी अपनी इज्जत का फलूदा करवा बैठते हैं। जैसे कि भाई साहब कांच के ग्लास से बने इतने बड़े पिरामिड के ऊपर जब शराब डाल रहे थे, तभी इनके हाथ से ग्लास गिर गई, जिसके बाद पूरा का पूरा पिरामिड जमीन पर बिल्डिंग के मलबे की तरह ढह गया। दोस्तों एक बात गांठ बांध लीजिए, अगर आप कहीं मैच देखने जा रहे हैं तो तमीज से रहना, वरना प्लेयर को अगर खेल के दौरान गुस्सा आ गया तो वो कुछ भी कर सकता है। जैसे कि इस बंदे के चढ़ाने पर हॉकी प्लेयर ने कांच ही तोड़ दिया, वो तो भला हो इस बीच में कांच मौजूद था, वरना तो इन जनाब को अपने किए का खामियाजा डॉक्टर के पास जाकर भुगतना पड़ता।
रिपोर्टिंग करना अच्छी बात है, लेकिन खराब मौसम में तूफान के साथ रिपोर्टिंग करना न सिर्फ खतरनाक है बल्कि जानलेवा भी साबित हो सकता है। और अगर यकीन नहीं आता तो जरा ये देखिए किस तरह तेज तूफान की वजह से 20 मंजिला ऊंचाई से जब ये कांच गिरा तो नीचे खड़े रिपोर्टर की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। दोस्तों कहते हैं ना कि हाथी को खरीदना बहादुरी नहीं है बल्कि उसे संभालना बहादुरी है। ठीक ऐसा ही गाड़ियों के साथ भी होता है, बंदा उसे खरीद तो लेता है लेकिन अपनी बेवकूफियों के चक्कर में उसका कचुंबर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। ठीक इन जनाब की तरह जिन्होंने पार्किंग गैराज में अपनी ही गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगर आप कांच से बनी किसी बिल्डिंग पर टहल रहे हैं तो आपकी आंखों के पर्दों को साफ करके चलना, वरना जिस तरह इन भाई साहब ने कांच को दरवाजा समझ लिया था ठीक उसी तरह आपका भी पोपट होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। कुछ लोग खेल खेलते वक्त अपने दिल और जान लगा देते हैं लेकिन कुछ गुर्दा फेफड़ा और शरीर का हर एक अंग लगाकर खेल जीतने में लग जाते हैं। और इस तरह के जो लोग होते हैं वो अक्सर या तो अपनी हड्डियां तोड़वाते हैं या फिर इस टेनिस प्लेयर की तरह कांच तोड़कर बैठ जाते हैं। बिल्कुल मस्तानी से चाल में चलती हुई ये जो लड़की आप देख रहे हो ये ना केवल दिखने में शानदार है बल्कि इसके बाजुओं में बड़ा जोर है। तभी तो मोहतरमा जैसे ही दरवाजा खोलती है इनकी ताकत से पूरा दरवाजा ही चकनाचूर हो जाता है। अब जरा इस हिरण से मिलिए जो कार खरीदने के लिए मर्सिडीज के शोरूम पहुंच गया लेकिन लगता है इसे कोई कार पसंद नहीं आई। तभी तो बिना सेल्समैन से बातचीत किए डायरेक्ट खिड़की तोड़कर बाहर भाग गया। हाँ हम मानते हैं कि बच्चों को खेलता देख माँ बाप कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो जाते हैं लेकिन इन भाई साहब का तो लेवल ही अलग है। वो अपने बच्चों की परफॉर्मेंस से इतना ज्यादा खुश हो गए कि डायरेक्ट जाकर कांच ही तोड़ बैठे। अब इनका बेटा मैच जीते ना जीते लेकिन इन्हें कांच का हर्जाना जरूर भरना पड़ेगा। अब जिस हिसाब से इस बिल्ली ने दौड़ते हुए कांच तोड़ा है उससे तो ये तय है कि इसने पक्का कोई भूत देख लिया होगा, वरना भला कोई इतनी तेजी से दौड़ता हुआ कैसे खिड़की तोड़ सकता है, वो भी बिल्ली जैसा जानवर। अब तक तो हमने केवल सुना था कि जर्मन शेफर्ड एक बहुत ही बेहतरीन गार्ड डॉग होते हैं लेकिन इस नजारे को देखने के बाद तो सच में यकीन हो गया क्योंकि जैसे ही अंदर मौजूद जर्मन शेफर्ड कुत्ते ने बाहर से दूसरे जानवर को आते देखा वो तुरंत खिड़की तोड़कर उसे भगाने पहुंच गया। हमें तो उस कुत्ते के मालिक पर तरस आ रहा है जो बेचारा कंफ्यूज होगा कि कुत्ते की वफादारी देखकर खुश हो जाऊं या फिर इतना महंगा कांच टूटने का गम मनाऊं। लोग गाड़ियों में डैश कैम इसलिए लगवाते हैं ताकि सामने होने वाली हरकतों को रिकॉर्ड किया जा सके लेकिन जब इनकी गाड़ी के साथ कोई कांड होता है तो ये डैश कैम उसे भी रिकॉर्ड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। तभी तो जब इतनी भारी भरकम बर्फ का टुकड़ा कार के ऊपर गिरा तो कार की खिड़की चकनाचूर हो गई और ये नजारा जितना ही हम लोगों के लिए शानदार था उतना ही कार मालिक के लिए दर्दनाक, जिसे बिना किसी गलती के हजारों का चूना लग गया। कांड करने के बाद लोग किस तरह पछताते हैं वो भी आप यहाँ देख लीजिए क्योंकि ये छोटे मियाँ घर के अंदर ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो बनने में तुले थे जिसके बाद उन्होंने जोश में टीवी का सत्यानाश कर दिया और उनका रिएक्शन देखकर तो यही लग रहा है कुछ ही देर में इनके ऊपर लात घूसों की बारिश होने वाली है। और यहाँ देखकर तो आपको इस बात का भली भांति अंदाजा हो जाएगा कि कार के अंदर बैठकर खिड़की से किसी भी भालू को नहीं खिलाना चाहिए क्योंकि अगर उसके मन में लालच पैदा हो गई तो वो इस भालू की तरह खिड़की तोड़कर आपको दिन में तारे भी दिखा सकता है। दोस्तों अपनी कार के अंदर किसी भी हट्टे कट्टे और मजबूत इंसान को बैठाने से पहले जरा ये वीडियो देख लेना क्योंकि उनके दरवाजे बंद करने के चक्कर में आपके कार को मैकेनिक के चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। आपने मार्शल आर्ट करने वाले लोगों को अपने हाथों से पत्थर तोड़ते हुए तो बहुत बार देखा होगा लेकिन ये भाई साहब तो कुछ कम नहीं है जो फूंक मारकर कांच की बोतल तोड़ने की हिम्मत रखते हैं।
दोस्तों ये भयंकर नजारा कहीं और का नहीं बल्कि हमारे भारत का है। जब 127 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही थी तो कॉलेज की कांच की बनी खिड़कियों का क्या हाल हुआ वो आपके सामने। अगर आपके इलाके में हिरण का आना जाना है तो कांच के दरवाजे और खिड़कियां हटाकर लकड़ी के दरवाजे लगाना शुरू कर दो, क्योंकि जिस तरह हिरण कहीं से भी कुछ भी तोड़ फोड़ करके अंदर आते हैं और अपनी मर्जी से दोबारा तोड़कर बाहर चले जाते हैं, उसे देखकर तो लग रहा है हर महीने आपको कांच ही बदलवाने पड़ेंगे। तो दोस्तों देखा आपने, जब कांच टूटते हैं तो अंजाम कितना भयानक होता है। वैसे आपको पूरी वीडियो में सबसे बेहतरीन नजारा कौन सा लगा हमें कमेंट में बता दीजिए ना, और इसी तरह की वीडियोस के लगातार देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर कर देना। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।